नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, तो जब तक हमारी YouTube चैनल का एक ब्रांड लोगो नहीं होता तब तक कोई भी हमारी चैनल को पहचानेगा नहीं, और एक YouTube चैनल को ब्रांड बनाने के लिए एक लोगो बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आज इसी वीडियो में मैं आपको ब्रांड लोगो यानी YouTube का लोगो किस तरह से बनाना है वो मैं आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। और ब्रांड लोगो सबको यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आपने किसी का भी शॉप देखा होगा तो उसको भी बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर ब्रांड लोगो या फिर ब्रांड नेम ये लिखा हुआ होता है। इसी तरह से हम भी अपनी चैनल का नाम रखते हैं, और नाम रखने के बाद एक ब्रांड लोगो बनाना होता है, और वही ब्रांड लोगो हम जैसे ही हमारी चैनल ग्रो होती जाएगी वैसे वैसे ही वो एक ब्रांड लोगो होता है, वो फेमस होता जाता है, ठीक है। और अगर किसी ने आपकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करा है फिर भी वो कई बार यहाँ पर यूट्यूब पर आएगा तो आपके ब्रांड लोगो को देख के ही क्लिक करेगा, इसलिए यहाँ पर ब्रांड लोगो जरूरी है। और इसलिए शॉप में भी ज्यादातर लोग ब्रांड लोगो यहाँ पर एडिट करते हैं, और आपने शॉप के ऊपर देखा ही होगा एडिट करा हुआ होता है और मस्त डिजाइन किया हुआ होता है। इस तरह से ब्रांड लोगो भी हमें बना के हमारे YouTube चैनल के जो प्रोफाइल होती है वहां पर लगाना होता है। तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से ब्रांड लोगो बनाते हैं, और मैं पिक्सेल लैब में पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, आपको यहां पर पता चल जाएगा कि किस तरह से यहां पर एक लोगो बनाते हैं, ठीक है। यहां पर बहुत ही सिंपल स्टेप है, उस तरह से आप भी बना सकते हैं, और अदर यानी आपको एक अलग तरीके से बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। तो यहां पर अभी हम क्या करेंगे, मोबाइल के स्क्रीन पर जाएंगे और किस तरह से लोगो बनाना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, और आप अच्छे से वीडियो को वॉच करना ताकि आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर बड़े ही आसानी से आप एक ब्रांड लोगो बना लोगे। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। अभी हम मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं और आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का लोगो हमें बनाना है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ, पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर के ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, एडिट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर एक यहाँ पर मैं लोगो डाल देता हूँ, यानी मेरा डी गावित चैनल है तो मैं डी क्लिक करूँगा। आप अपनी चैनल का नाम यहाँ पर लोगो डाल सकते हैं। अभी ये लोगो मैंने यहाँ पर टाइप करा है, और इसके बाद मैं इसकी साइज में बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर ये फुल साइज कर लिया है मैंने, ओके। तो ये अभी ओके, तो ये मैंने यहाँ पर फुल साइज कर लिया है, और इसके बाद में ये जो कलर में यहाँ पर हमेशा पहले ब्लैक ही रखूँगा, और आप भी ब्लैक ही रखना, ठीक है। उसके बाद में आप जो कलर चाहे वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी सबसे पहले तो डी यहाँ पर ये कलर ब्लैक ही रखें। तो ये मैंने यहाँ पर कलर भी सिलेक्ट कर लिया, और ये डी है इसको मैं कॉपी करूँगा, ये कॉपी कर लिया। मेरी चैनल का नाम है डी गावित, ओके। तो मैं यहाँ पर अभी दूसरा यहाँ पर अक्षर क्या डालूँगा, जी, ठीक है। तो ये रहा, तो ये डी और जी ये दोनों मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, ओके, ये दोनों मैंने एडजस्ट कर लिया। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये तीसरा वाला ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करके शेप्स यहाँ पर लेना है। तो शेप्स के लिए ये जो एक शेप्स मिल रहा है कुछ इस प्रकार का चौरस का है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर सेटिंग करना है, ओके। ये मैंने करा, और उसके बाद में इसको मैं इस तरह से क्रॉस कर दूँगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर भी क्रॉस में लगा दिया, और इसको इसका कलर भी हमें रखना है ब्लैक, ओके। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और डन, ओके, ये हो गया। तो अभी इसको मुझे मर्ज करना है, तो यहाँ पर ये जो लेयर का ऑप्शन मिल रहा है, ओके, कहाँ पर, ऊपर यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करके ये तीनों को हमें मर्ज करना है।
तो ये फाइनली मर्ज कर लिया। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको डुप्लीकेट करेंगे, कॉपी करेंगे। तो ये कॉपी कर लिया, ये इस प्रकार से दो बना लेना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सेंटर में लाना है। तो दोनों को क्लिक करके हमें सेंटर में देख सकते हैं, साथ में कर लिए दोनों को। अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है कि यहाँ शेप्स के ऊपर क्लिक करना है। शेप्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें एडजस्ट कर लेना है। और यहाँ पर हमें ये जो है इसको एडजस्ट करना है, ध्यान से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने एडजस्ट कर लिया है। और इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और दूसरा वाला इस साइड में एडजस्ट कर लूँगा। ओके, ये मैंने एडजस्ट कर लिया। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है कि लेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर दो दो यहाँ पर इसको मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पर मर्ज कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया, दोनों को मैंने मर्ज कर लिया। उसके बाद में एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ है, इसको हाइड कर लेते हैं, पहले वाले हाइड और लॉक कर लेते हैं। और अभी जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और इरेस कॉलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको एनेबल करेंगे। एनेबल करने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखेगा और यहाँ पर डन कर लेंगे। और लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये ऑन लॉक करेंगे और दूसरा लॉक कर लेंगे, ठीक है। और अभी दूसरा वाला ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, एरिस कलर यहाँ पर इनेबल, तो ये हो गया। ओके, और फिर ये लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, दोनों को यहाँ पर कुछ इस प्रकार के हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अभी यहाँ पर हमें एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है। पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा कम करके यहाँ पर ये पोजीशन हमें एक पोजीशन सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पोजीशन सिलेक्ट हो रही है, ये थोड़ा सा दूर दूर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने ये करा है सिलेक्ट। अभी इन दोनों को मैं करूँगा यहाँ पर कलर, यहाँ पर कलर भरने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये रेड कलर नीचे यहाँ पर रेड कलर लेने वाला हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर इनेबल कर दूँगा, स्टॉप के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ओके ये वाइट रहने दूँगा, यही बेटर लग रहा है रेड के साथ। ओके, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर पहला वाला है, इसको अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में इसको भी वाइट कहीं करेंगे। ओके, तो ये हो गया। तो ये मैंने एक लोगो बनाया और उसका थोड़ा सा पोजीशन और यहाँ पर बढ़ा देता हूँ तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो ये मैं एक आपके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर पाएंगे उसके बाद में, ठीक है। लेकिन तो चलिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है, आप बाद में एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अभी इसको मैं इन दोनों को लॉक कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं शेप के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये शेप ले लूँगा और इसको बड़ा कर लूँगा। ओपासिटी कम कर देना है, स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा देना है और इसको कुछ इस तरह इस प्रकार का यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है, ये एडजस्ट कर लिया। और इसका स्टॉक कलर है, इसको हमें चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा, यहाँ पर येलो मैंने स्टॉक कलर कर दिया और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कम कर दूँगा। ओके, ये हो गया अपना। अभी यहाँ पर इसको भी लॉक कर दूँगा। और अभी यहाँ पर डी और जी, ये मैंने यहाँ पर लोगो एडिट करा है, उसके बाद में इसके ऊपर शेप लगाया। अभी यहाँ पर नीचे थोड़ा सा कुछ लिख दूँगा, तो यहाँ पर मेरा नाम है दिनेश गावित, तो मैं यहाँ पर दिनेश गावित टाइप कर दूँगा, दिनेश गावित। ओके, ये मैंने टाइप करा
और यहाँ पर डन। और यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर पहले तो कलर यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो कलर की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं ब्लैक ही रखने चाहूँगा, और उसके बाद में यहाँ पर फॉन्ट साइज जो है, सॉरी फॉन्ट है वो यहाँ पर मैं अपने मुझे जो अच्छा लगे वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। और उसके बाद में स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर स्पेसिंग बढ़ा दिया कुछ इस प्रकार से, ओके। तो फाइनली ये जो लोगो है वो रेडी होके तैयार है। तो यहाँ पर आप और भी एडिट करेंगे अच्छे से तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एडिट होगा। मैंने ये सिर्फ सिंपल ही आपको यहाँ पर एडिट करके दिखाया है। अभी यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है वो भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। अभी यहाँ पर अभी इसमें कौन सा यहाँ पर कोई दूसरा यानी वाइट भी कर सकता हूँ, और या फिर जो अच्छा लगे वो एक बार यहाँ पर ट्राई करके देख लेना है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो इस तरह से यहाँ पर चेंज कर लेना है। लेकिन जो पहला वाला था वही मुझे बेस्ट दिख रहा था शायद, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं अभी। अगर ये कलर होता है तो हमें क्या करना है, ये जो मेरा नाम है इसको इसका जो कलर है वो चेंज कर देना है। तो ये जो कलर है यहाँ पर मैं वाइट रखना पसंद करूँगा, तो ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगो बना सकते हैं। और इसके बाद में सेव करने के लिए ये शेयर का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर, और डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करके हाई कर लेना है, और हाई क्लिक करके यहाँ पर सेव टू गैलरी इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो फाइनली इस तरह से यहाँ पर आप यहाँ पर प्रोफाइल पर लोगो लगाने के लिए यहाँ पर एडिट कर सकते हैं पिक्सेल लैब से। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से मैंने यहाँ पर एक ब्रांड लोगो एडिट करा। इस तरह से आप भी स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। वीडियो ध्यान से देख लेना, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे से एडिट करके। और यहाँ पर आप इसको भी बार बार देखोगे ना तो अच्छे से आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा स्टेप मैंने अच्छे से कवर किया है और अच्छे से यहाँ पर एडिट किया है। और इससे बढ़िया भी आप एडिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने जिसे करा ऐसा नहीं, इससे बढ़िया भी एडिट कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करके दिखा दिया, फिर भी यहाँ पर 10 मिनट के ऊपर ही वीडियो जाने वाली है। तो ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो चैनल को यहाँ पर सॉरी चैनल को नहीं वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डेली ऐसी टेक्निकल से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर न्यू वीडियो तो YouTube से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है, और न्यू आइडिया मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसी खास इंफॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ फिर से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।